पाक हुकूमत और आलमी बैंक का सियाहत, माहौलियात, अर्बन डेवलपमेंट के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलज़ार से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला का कहना है कि आलमी बैंक पंजाब हुकूमत का एक मंसूबा पार्टनर है। सूबाई हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम शुरू कर रही है, पसमानदा इलाकों को तरक्की देंगे। पंजाब हुकूमत का 80% बजट जारी स्कीम्स पर खर्च करने का फैसला। बजट तजावीज आज काबीना कमेटी के सामने पेश होंगी। बजट 10 अक्टूबर को असेंबली में पेश होगा। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी मालिकान का शहरियों के साथ लंबा फ्रॉड। 1500 केनाल अराजी की बजाय 5700 केनाल जमीन फरोख्त की। नैब हुकाम ने तमाम जमीन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सोसाइटी मालिकान ने इजाफी 4200 केनाल फरोख्त करके अरबों कमा लिए। प्लॉट की मिल्कियत ना देने पर एहतजाज। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का ठोकर पर नैब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। प्लॉट्स की फाइलें फरोख्त करने का इल्जाम। मुतासरीन का वजीर आजम और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। को पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के ताबे करने का फैसला। फूड अथॉरिटी को जम करने के लिए बनाई गई कमेटी के मीटिंग मिनट जारी। बासर माफिया ने कमेटी बनवाने की समरी निगरान हुकूमत के दौर में वफाक को भेजी। अहम इंकशाफात लाहौर न्यूज पर। फ्रीकैन कचहरी के गेट पर लड़ पड़े। एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और घूंसों से हमले। फ्रीस्टाइल लड़ाई में खवातीन भी इन एक्शन। एक दूसरे पर डंडों के वार। बीच बचाव करवाने वाले पुलिस एहलकार को भी मुक्के पड़ गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। पर्ची नहीं अभी चालान। 90 मुकामात पर वार्डन्स को चालान से रोक दिया गया। सिग्नल के खिलाफ वर्जी पर ही चालान होगा। अवारी होटल, बेगम रोड, केनाल माल रोड और दीगर पर वार्डन्स चालान नहीं करेंगे। ई चालान के होते हुए वार्डन्स को चालान करना आवाम के साथ ज्यादती होगी। सीटीओ वजीर आला पंजाब के नाम पर जाली टेलीफोनिक अहकाम का इंकशाफ। पंजाब सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा जारी। अफसरान को मिलने वाले अहकाम की तस्दीक करने की हिदायत। अद्वियात के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नई अद्वियात की टेस्टिंग में ताखीर नहीं होनी चाहिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का इजलास। यकम से पहले तनख्वाह। पंजाब मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। अदालती अहकाम पर 30 सितंबर तक तनख्वाहों की अदायगी का फैसला। महकमा खजाना पंजाब ने तमाम इदारों को अहकाम जारी कर दिए। पाक फौज जिंदाबाद। एपका मुलाजमीन की पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर नारे लगाए। डेफ क्रिकेट क्लब्स में मुबैना बेजाब्तियों के खिलाफ लिबर्टी चौक में एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने दोनों तरफ से सड़क ब्लॉक कर दी। काम उसी को साझे। वालिदा के लिए फेस क्रीम खरीदना नौजवान को महंगा पड़ गया। सेल्स गर्ल ने ब्लीच क्रीम थमा दी। वालिदा का चेहरा झुलसने पर शहरी सारिफ अदालत पहुंच गया। स्टोर के खिलाफ हर जाने का दावा।
एएसएससी एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, $10,000 और पाकिस्तानी करंसी बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुसाफिर मोहम्मद इरफान करंसी स्मगल करने में मदद करने पर अजबुक एयरपोर्ट के ट्रैफिक असिस्टेंट अहसन अली को भी हिरासत में ले लिया गया। रावी में बहकर आने वाले भारतीय शहरी की लाश वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले। भारतीय शहरी की लाश दरियाए रावी के रैले में बहकर आई थी। रेंजर हुकाम को बलविंदर सिंह की लाश 25 सितंबर को शक्करगढ़ से मिली थी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर का मकबरा जहांगीर का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मकबरा जहांगीर और आसार कदीमा के लिए सरवर फाउंडेशन से फंड जारी करने का ऐलान।